हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही फेमस प्रिंसिपल के बारे में जो कि दिया है हमारा हेनरी फियोल ने। इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें दिया हुआ है जो कि काफ़ी फेमस है, जिसे कि थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और जो 14 पार्ट है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको इनके 7 थ्योरीज के बारे में बताऊंगा जो कि 7 प्रिंसिपल हैं, और दूसरे पार्ट में फिर हम लोग 7 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। इनको ने जो प्रिंसिपल्स दिया था ये इन्होंने अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू बनाए थे। ये एक कोल माइन कंपनी के डायरेक्टर के रूप में ज्वाइन किए थे, और जब इन्होंने ज्वाइन किया था तब कंपनी लगभग डूबने वाली थी। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस और अपने दम पर जो वहाँ के हालात थे उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो वर्क किया उससे वो कंपनी काफ़ी आगे निकली, और उसी के बिहाफ पे इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए जो कि काफ़ी फेमस है। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं और वन बाय वन सभी प्रिंसिपल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पहला प्रिंसिपल इन्होंने दिया था वो है हमारा डिविजन ऑफ वर्क। जैसा कि नाम ही है हमारा डिविजन ऑफ वर्क, सिंपल सा कहने का मतलब था जितने भी वर्क थे यानी कि जो पूरा वर्क है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना और उन लोगों को देना जो उस काम को करने के लायक है। जैसा कि आप देख सकते हैं द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द वर्कर्स एबिलिटी। वर्कर्स के एबिलिटी के अकॉर्डिंग में क्या करना, वर्क को डिवाइड कर देना। उससे होता क्या था कि सभी को कम काम करने पड़ते थे, और जो भी काम जिसको आता था वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकता था। इससे बेनिफिट क्या मिलता था, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। इससे बेनिफिट ये होता था कि जो वर्कर्स थे उनमें स्पेशलाइजेशन आता था। एक ही काम को अगर आप बार बार करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसमें मास्टर हो जाएंगे, तो स्पेशलाइजेशन तो आप में आना ही आना है। अगर आप बार बार एक ही चीज़ को करेंगे तो आप उसमें माहिर होंगे, तो माहिर होंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोड्यूस ज़्यादा होगा और अच्छी क्वालिटी में भी होगा, और इससे आपका क्या होगा वर्क लोड भी कम होगा। क्योंकि एक बंदा अगर बार बार एक चीज़ को अच्छे तरीके से करेगा, वर्क बटा हुआ है सबको छोटा छोटा काम करना है, तो वर्क लोड तो कम होगा ही होगा। आई होप ये क्लियर हुआ हो। दूसरा जो इन्होंने थ्योरी दिया था वो है हमारा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग अलग थिंग होते हैं। ऑथोरिटी मीन्स होता है डिसीजन लेने की पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है ऑब्लिगेशन। मतलब अगर मैं आपको कोई काम करने के लिए बोलूं तो उस काम को जो करने के लिए एक्स्ट्रा पावर चाहिए यानी कि जो भी चीज़ आपको अलग से डिसीजन लेना पड़े, तो वो आपके पास अगर पावर होगी तो वो कहलाएगी ऑथोरिटी। वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ इसकी जो रिपोर्ट होगी वो कहलाएगी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी चीज जो ऑथोरिटी है ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर चलता है, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चलता है। तो ऑथोरिटी हमेशा डाउनवर्ड होती है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड होती है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। देखिए इससे भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते थे। ऑथोरिटी बांटने से होता क्या था, जो भी हमारे सुपीरियर हैं उन पर बॉदरेशन कम हो जाता था, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट तो उन्हें ये मिलता था। दूसरी बेनिफिट ये मिलती थी कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं हमारे उनको अपने आप में अच्छा फीलिंग करते थे, उन्हें लगता था कि हाँ हम भी कंपनी में कुछ अच्छी पोजीशन पे हैं और कंपनी के जो भी हमारे सुपीरियर हैं वो हम पे ट्रस्ट करते हैं। दूसरा इससे डिसीजन जो भी हमारा लेने की क्षमता होती थी, जो डिसीजन मेकिंग है उसमें इंक्रीमेंट आता था, क्योंकि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जब भी किसी को दिया जाएगा तो उससे जो डिसीजन लेने की ताकत है या जो डिसीजन लेने का टाइम है वो काफ़ी स्पीड हो जाता था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि तीसरा नंबर है। तीसरा में आता है हमारा डिसिप्लिन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप सभी ने स्कूल ज्वाइन किया था तो स्कूल में भी आपने देखा था कि हर काम आपको डिसिप्लिन से करना होता था, टाइम पर आना टाइम पर जाना। यानी कि डिसिप्लिन का मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक सर्टिन रूल होना चाहिए जो कि सभी पे लागू होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी। यानी कि जितने भी हमारे वहाँ पर वर्कर्स हैं चाहे वो टॉप लेवल के हों चाहे वो लोअर लेवल के हों, सभी के लिए सेम ही डिसिप्लिन होना चाहिए। इससे के भी अपने अलग अलग बेनिफिट्स थे। बेनिफिट्स ये था
कि वो जो वहाँ पर जो वर्क है वो वर्क परफॉर्मेंस बिल्कुल प्रॉपरली होता था, क्योंकि सभी को अपना काम पता था और सभी डिसिप्लिन मैनर से किया जा रहा था। अब एक रूल सभी के लिए है तो जाहिर से बात है ऊंच नीच वाली भावनाएं जो होती है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि सेम रूल एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो रूल है वो सभी के लिए सिमिलर है, यानी कि पनिशमेंट अगर देना है, अगर आपने कुछ रूल तोड़े हैं तो पनिशमेंट लोअर लेवल को भी मिलेगा और टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी मिलेगा, और अगर आपको रिवॉर्ड देना है तो भी आपको जो सभी के लिए है वो आपको भी मिलेगा, यानी कि सभी लेवल्स पे पनिशमेंट और रिवॉर्ड की फैसिलिटी थी, ये डिसिप्लिन में कहना था। अगला जो पार्ट था वो है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड में सिंपल सा एक चीज कहा गया था कि किसी भी सबऑर्डिनेट्स को जब भी कोई ऑर्डर देना हो तो सिर्फ और सिर्फ एक बार में कोई एक सुपीरियर ही उसे ऑर्डर दे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम, यानी कि एक सुपीरियर से ही सिर्फ उसे ऑर्डर मिलना चाहिए, एंड दैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली दैट सुपीरियर, और जब उसे आंसर देना हो उस काम को किया गया है या नहीं किया गया है तो वो भी उसी सुपीरियर को उसे आंसर देना हो, यही कहता है यूनिटी ऑफ कमांड में। देखिए ये एक्चुअली में है क्या, मैं सिंपल सा समझाता हूँ। सपोज मान के चलिए ये हमारे एक क्या है, ये हमारा एक सपोज मान के चलते हैं सबऑर्डिनेट्स है, और यहाँ पर सपोज मान के चलते हैं हमारे दो अलग अलग तीन अलग अलग सुपीरियर हैं। अब सपोज एक ही टाइम पे इन्होंने भी इसे ऑर्डर दिया, इन्होंने भी ऑर्डर दिया और इन्होंने भी इसे ऑर्डर दे दिया। अब इसके पास टोटल तीन ऑर्डर मिल चुके हैं। अब ये बंदा जो होगा ये कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इनका काम करे या इनका काम करे या फिर इनका काम करे, तो इसके पास ऑप्शन हो जाएगा। हो सकता है कि ये किसी का काम ना करे और सबके पास ये बोल दे कि सर मैं इनका काम कर रहा था, इनके पास बोल दे कि सर मैं इन दोनों का काम कर रहा था, और वो किसी का भी काम ना करे। इसलिए जो हेनरी प्यूअल है उनका कहना था कि एक बार में एक ही एम्प्लॉय को उसके सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए और उसका जो वो रिप्लाई देगा यानी कि जो उसका वो आंसर देगा वो भी उसी सुपीरियर को उसे रिप्लाई करना चाहिए। इससे के भी अपने अलग अलग बेनिफिट्स थे। बेनिफिट्स ये मिला था कि इससे जो सुपीरियर है और जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका रिलेशन काफी अच्छा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर बोदरेशन कम था, एक सबऑर्डिनेट को एक ही बार ऑर्डर मिलता था, एक सुपीरियर से मिलता था, तो उनसे उनका रिलेशन काफी अच्छा हुआ। इससे हमारी इफिशेंसी भी इंक्रीज हुई क्योंकि काम एक बार में एक ही करना पड़ता था। इसके एक नुकसान भी ये था कि जो सुपीरियर थे इनको ईगो का प्रॉब्लम भी हो जाता था कभी कभी। इसके सबसे बड़ी जो साइड इफेक्ट थी वो थी ईगो क्रिएट हो जाना। अगर सुपीरियर को ईगो क्रिएट हो जाता है कि भाई मेरा ऑर्डर वो केवल मानेगा, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात थी जो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग में इसका डिसएडवांटेज होगा। चलिए अगला पार्ट देखते हैं जो कि हमारा प्रिंसिपल नंबर 5 होगा। प्रिंसिपल नंबर 5 यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड जैसा आपने देखा, बस सिमिलर थिंग है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में कहा गया ये है, एक्टिविटीज हैविंग द कॉमन गोल मस्ट हैव वन हेड वन प्लान, यानी कि बिजनेस में जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गोल है वो कोई एक ही गोल होना चाहिए और जो हेड है वो भी कोई एक होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिजनेस ने अपना कोई एक टारगेट सेट किया, सपोज मान के चलते हैं बिजनेस ने अपना कोई टारगेट सेट किया है कि भाई हमें आज के डेट में अगर हमारी कंपनी का मार्केट शेयर 10% है कहीं मार्केट में, तो उसे हमें अगले साल तक उसे 50% मार्केट शेयर में कन्वर्ट करना है। ये कंपनी ने गोल डिसाइड किया। अब इस गोल के पीछे ही सब जितने भी हमारे वर्क होंगे, जितने भी हमारे डिसीजंस होंगे, वो सब इस 50% को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए, यही कहता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दूसरी चीज, इसे जो ये जो 50% गोल की जिसने बात की थी, वो हेड जो हमारा होगा वो हमेशा उस समय अवेलेबल रहना चाहिए जब तक कि वो अपने टारगेट यानी कि जो अचीवमेंट है, जो उसने अपना गोल सेट किया है वो प्रेजेंट करना ले, जब तक वो अचीव हो ना जाए। ये नहीं कि हमारा जो हेड है वो भी हमारा चेंज होता रहे, अगर हेड चेंज होता रहेगा तो काम भी सही से नहीं चलेगा।
इसके भी अपने अलग अलग बेनिफिट्स थे। सबसे अच्छा बेनिफिट ये था कि इससे जो वर्कर्स थे उनके बीच कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा हो जाता था, क्योंकि डायरेक्शन सभी को पता है कि कहाँ जाना है, तो कोऑर्डिनेशन करना काफी इजी होता था। दूसरा क्या था, वो हमेशा अपने गोल के, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, हमेशा उसी पे वो फोकस रहेंगे। जब फोकस अगर गोल पे होगा तो उस गोल को अचीव करना काफी इजी होगा। आई होप क्लियर हुआ हो। चलिए अगला जो हमारा छठा पार्ट है उसे देखते हैं। सबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे वर्कर्स होंगे उन्हें अपने इंटरेस्ट से पहले बिजनेस के इंटरेस्ट पे, यानी कि बिजनेस के गोल पर पहले फोकस करना होगा। यही कहता है ये छठा प्रिंसिपल हमारा। देखिए इसमें आपने साफ साफ ये डिफिनेशन आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड बी गिवेन मोर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के जो भी इंटरेस्ट होगा उससे पहले आपको प्रायोरिटी देना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे आप प्रायोरिटी नहीं देंगे और अपने गोल के पीछे रहेंगे, तो आपको, अगर जैसे कि ये मान के चलते हैं ये 50% का गोल है ये ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया है, बट आपका गोल कहीं और जाने का है, आप सपोज कहीं और चले जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये 50% अचीव हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इनका हेनरी फ्यूअल का मानना था कि आपको अपने इंटरेस्ट को छोड़ करके सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे जिसे आपको अचीव करना है। तो आपके रुख भी हमेशा 50% की ओर ही होना चाहिए जैसा ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया हुआ है। दूसरी चीज हेनरी फ्यूअल ने यहाँ पर फोकस ये भी किया था कि जो लोग, जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनका गोल हम इस प्रकार कन्वर्ट करें कि वो ऑर्गेनाइजेशन की ओर चले जाए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को वो पूरा करने की फोकस करे। इससे बेनिफिट ये मिला कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज थे उनके इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल के बीच कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा होने लगा, क्योंकि दोनों का गोल उन्होंने क्या सेट कर दिया कि हमें बिजनेस को 50% मार्केट शेयर पर लेकर के जाना है। इससे बेनिफिट ये भी मिला कि ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल प्राप्त करने, यानी कि अचीव करने में काफी हेल्प मिलने लगा। आई होप ये चीज क्लियर हुआ हो। चलिए आज की सेशन का आखिरी और सातवां पार्ट देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बाकी के सात जो भी हमारे बचे हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगला जो पार्ट है वो है हमारा रेमुनरेशन टू एम्प्लॉयज, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको जो सैलरी दिया जाता है उस पर हेनरी फ्योल ने काफी फोकस किया हुआ है। इसमें उनका कहना था कि द रेमुनरेशन पे टू द एम्प्लॉयज शुड बी फेयर ऑफ बोथ एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर, यानी कि जो हेनरी फ्योल है उनका मानना था कि जो हम सबऑर्डिनेट्स को, यानी कि जो अपने हम इम्प्लॉयज हैं उनको जो सैलरी दे रहे हैं वो सैलरी ऐसी होनी चाहिए जिसपे इम्प्लॉय हमारा लेकर के खुश हो जाए और उसे ये ना लगे कि ऑर्गेनाइजेशन उनसे ज़्यादा काम करवा रही है और पैसे कम दे रही है। दूसरी तरफ जो हेनरी फ्योल उनका ये भी मानना था, यानी कि एम्प्लॉयर यानी कि जो कंपनी है वो, उनको ऐसा भी ना फील हो कि हम उनको सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं और इम्प्लॉय काम कम कर रहे हैं। तो ये चीज के बीच में तालमेल बनाना ही कहलाता था हमारा रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय। इससे बेनिफिट ये मिला कि जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जो कंपनी है यानी कि जो मैनेजमेंट है उसके और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन काफी अच्छा हो गया, क्योंकि दोनों ही खुश हैं। कंपनी सैलरी पे करके भी खुश है और जो एम्प्लॉय है वो सैलरी रिसीव करके भी खुश है। दूसरा बेनिफिट ये मिला कि इससे जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो सेल्फ मोटिवेट हो रहे थे, उनका जो मोटिवेशन लेवल था वो काफी अच्छा हो रहा था, वो अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रति अपना मैक्सिमम दे रहे थे। इससे बिजनेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गोल काफी अच्छी तरीके से पूरी हो रही थी, इफिशेंसी बढ़ रही थी, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, कॉस्ट कम हो रहा था, तो इससे बहुत सारी चीजों का कंपनी को बेनिफिट मिल रहा था। तो आई होप जो भी हमने साथ यहाँ पर थ्योरी डिस्कस की है ये सभी आपको क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।